नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके, मैं हूँ आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। सुबह की बड़ी खबर आ रही है झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र से, जहां पर एक सवारी वाहन पलटा है और उसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर भी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि परिहार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, कहां की घटना है और क्या नुकसान हुआ है? जी सर, मैं आपको बता दूं कि ये जो हादसा है इसमें मऊरानीपुर पुलिस की एक बार फिर से चूक देखने को मिली है, जहां पर केदारेश्वर मंदिर है जो सावन के माह में जहां श्रद्धालु हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां पर आज एक श्रद्धालुओं से भरी आपे दर्शन करके लौट रही थी, तभी ये हादसा हुआ कि श्रद्धालुओं से भरी आपे 500 फुट ऊंचे पहाड़ से ऊंचाई से 500 फुट नीचे जा गिरी, जिस हादसे में लगभग 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां पर सावन के माह में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और वहां पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पहले से सुनिश्चित की गई थी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी पुलिस होने के बाद जहां पहाड़ पर बाइक जाने से भी पुलिस मना कर रही थी, तो आखिर कैसे भरी आपे पहाड़ पर चली गई है और उसके बाद जो घटना हुई है इसके जिम्मेदार पर कार्रवाई सुनिश्चित होने के लिए लोगों द्वारा मांग की गई है। रवि, जब ये पहाड़ से आपे गिरा तो किस तरह से रेस्क्यू किया गया और वहां पर कौन से पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं जायजा लेने? वही मौके के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वहां पर मौके पर कोई भी व्यक्ति पुलिस का अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था, वहां पर 108 एम्बुलेंस मौजूद थी, जैसे ही चीख पुकार मची तो 108 एम्बुलेंस के द्वारा लगभग 5-6 लोगों को लाया गया। इसके बाद तमाम जो लोग बाग थे, श्रद्धालु थे जो दर्शन करने के लिए गए थे, वो अपने अपने वाहनों से घायल लड़कियों को जो श्रद्धालुओं से भरी लड़कियां मतलब आपे थी उसमें लड़कियां सवार थी, तो वहां से उन लड़कियों को अपने अपने वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर लाए, जहां उनका उपचार किया जा रहा है और कई लोगों को लगभग अभी 4-5 लोगों को झांसी के मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और मौके पर SDM और जो पुलिस के आला अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है और राहत कार्य के लिए मरीज जो घायल है उनका उपचार कराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में मऊरानीपुर पुलिस की उदासीनता देखने को एक बड़ा हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे कि सावन के महीने में ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये तय कर दिया गया था कि जो कांवरिये हैं या जो श्रद्धालु हैं उनके लिए अलग से आने जाने की व्यवस्था हो, और इसमें देखा गया था कि झांसी से लेकर मऊरानीपुर जो मार्ग है एक तरफ का बंद कर दिया गया है, केदारेश्वर हुआ, ओरछा, ज़्यादातर देखा जाता है ओरछा नदी है या अन्य जो पवित्र नदियां हैं वहां से जल लेकर श्रद्धालु पैदल जाते हैं और केदारेश्वर धाम जाते हैं या अन्य जहां पर महत्वपूर्ण शिवलिंग है वहां पर जाके उनका जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में जो एक काफ़ी पहाड़ ऊंचे पहाड़ पर स्थित है ये केदारेश्वर धाम जो है मंदिर है, और यहाँ पर इस तरह से जैसे कि वाहनों को बंद कर दिया गया, बड़ा सवाल यही है कि आपे वहां पर पहुंची कैसे, क्या इस बारे में कोई पुलिस अधिकारी या कोई कुछ कहने को तैयार है अभी? रवि, फिलहाल इस संबंध में मऊरानीपुर उपजिलाधिकारी से वार्ता हुई है, उनका कहना है कि जो लापरवाह है उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, आखिर इस तरीके की चूक कैसे हुई है ये जांच का विषय है और जांच के बाद जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज बीके के साथ। यहाँ पे केदारेश्वर मंदिर है, जो यहाँ पे जो है 3-पहिया वाहन ऊपर से नीचे आ रहा था, तभी उसमें जो है काफ़ी सवारियाँ भरी हुई थी, उसमें कम से कम 14 से 15 लोग थे, हाँ उसमें लड़कियाँ थी और जिसमें काफ़ी गंभीर रूप से घायल भी हैं वो लोग, तो हम लोग वहाँ पे हॉटस्पॉट पे अपने केदारेश्वर में खड़े थे, जैसे ही हमें सूचना मिली, जैसे ही हमने देखा तो उनको वहाँ से हमने मेडिकल अस्पताल CSC मऊरानी पर भर्ती कराया, और उसमें घायल तो 10-12 लोग घायल हैं, और उसमें जब 3-पहिए वाहन की जो है वहाँ पे वाहन जाना रोक लगाया गया है तो वहाँ पे कोई रोकता ही नहीं और सीधे गाड़ियाँ वहाँ ऊपर चढ़ी जाती हैं, नहीं वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी, केवल बैरियर लगा, सो बैरियर अलग कर दिया जाता है और सीधी गाड़ियाँ ऊपर चढ़ जाती हैं। आप घटना के पीछे अब किसका बताएं, हम तो प्रशासन की भी हो सकती है और थोड़ा हम लोग आम जनता की भी हो सकती है कि ऐसे बरसात के मौसम में 3-पहिए में इतनी ज़्यादा सवारी ना भर के जाएं ऊपर। अभी अभी जब सुबह में ड्यूटी पे आए तो एक न्यूज हुआ, तो थोड़ा ना आस पास लोगों से हमें पता चला कि एक गाड़ी पलट गई है, कोई केदार सर मंदिर में मतलब भक्त लोग जा रहे थे,
तो वहाँ से गाड़ी पे पलटने की सूचना हमको पहले मिल चुकी थी, तो हम लोगों ने उसकी प्रिपरेशन पहले से करके रख चुकी थी, गोचीज वगैरह सूचक मटेरियल जो दवाइयाँ वगैरह हैं इकट्ठा कर लिए थे। उसके बाद सबसे पहले एक जो पेशेंट आया वो प्रो डेड आया, मतलब वो आते ही उसकी अबाउट 20-21 साल लड़की थी, सर में चोट है उसके, पूरा इधर पिचका हुआ था सर उसका, तो वो आई तो बिल्कुल जैसे देखा हमने चेकअप किया तो उसमें कोई पल्स वगैरह नहीं थी। तो अभी तक 8-9 लोग आ चुके हैं जिसमें से सब लड़कियां हैं। अभी जस्ट अभी रिसेंट एक लड़का आया है जिसको सीने में दर्द के साथ आया है, बाकी सब लड़कियां हैं। हाँ, जिसमें से किसी को थोड़ी ज़्यादा चोट भी लगी है, एक दो के पैर फ्रैक्चर है, किसी का नेक में थोड़ी ज़्यादा चोट है। अभी तक हम 2-3 लोगों को झांसी रेफर कर चुके हैं, बाकी का देखते हैं, जो उसको जरूरत होगी तो उसका वापस अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको एक्सरे वगैरह के लिए भेजेंगे। देखिए अभी हॉस्पिटल में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे जो हादसा हुआ है उसमें करीब 9 लोग चोटिल हुए हैं, एक की डेथ हो गई है और जो चोटिल हैं वो गंभीर रूप से घायल नहीं है, 2 लोगों को रेफर किया जा रहा है, बाकी घटना की जाँच की जा रही है जिसके स्तर पर लापरवाही है उसके। घटना ये बताई गई है कि एक ऑटो था, ऑटो चालक किसी तरीके से जो है मंदिर के ऊपर अपनी गाड़ी ले गया था, वहाँ से वापसी में करीब 11-12 लोग को बैठा के आ रहा था, तो रास्ते में कहीं डिसबैलेंस हो गई गाड़ी, वो पलट गई जिसके कारण एक घटना हुई है। अब लापरवाही इसकी जांच की जा रही है, जो भी लापरवाही जिसकी आए सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वहाँ बाकायदा पुलिस की ड्यूटी लगाई गई थी, गाड़ी जाने के लिए प्रतिबंधित था, इस बात की जाँच कराई जा रही है।